अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है किरियो की। किरियो का पार्ट 4 है और इसमें मैं आपको बताऊँगा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली फायरवॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है IPS पे और IDS पे। IPS फायरवॉल जो होती है वो कोई भी अटैक अगर होगा आपके नेटवर्क पे तो उसको रोकेगी, जबकि IDS जो होती है वो सिर्फ नोटिफाई करती है, यानी कि वो आपको बताती है कि आपके नेटवर्क पे अटैक आया है, अब आप खुद ही बचें इससे। इसको आम आदमी की ज़बान में अगर आप इसको समझाना चाहें किसी को, तो ये ऐसे है कि आपके घर के बाहर एक चौकीदार है और वो आपने उसको गन पकड़ा दिए, तो वो IPS है कि कोई अटैकर अगर आया है, कोई अटैक करने आया है तो उसको खुद ही गोली मार देगा। जबकि IDS जो है वो चौकीदार है जिसके पास गन नहीं है और आपने उसको बस गेट पे बैठाया हुआ है, वो आपको सिर्फ अंदर आके बताएगा कि साहब अटैक हो गया है बाहर। तो ये फ़र्क है IPS और IDS में। तो आज जो कैरियो के अंदर IPS का फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें थियोरेटिकल इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर प्री डिफाइंड ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कोई इसकी इतनी ज़्यादा कन्फिग्रेशन नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को आइडिया समझ में आएगी, और जो ना समझ में आए अगर कोई चीज़ तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों IPS में के बारे में देखते हैं, कैरियर में हम आ गए हैं और मैं IPS की चीज़ में ये टैप में गया हूँ। देखिए यहाँ पर इनेबल इंक्लूजन प्रिवेंशन के ऊपर चेक लगा हुआ है, इसका मतलब है काम कर रही है। दिस द इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम डिटेक्ट इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन डेटाबेस ऑफ सिग्नेचर वेयर यू मे डिफाइन एक्शंस फॉर द डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ द डिटेक्टेड इंसिडेंट्स। अच्छा, इसके अंदर देखें तीन ऑप्शन दिए हैं, हाई सिक्योरिटी, मीडियम सिक्योरिटी, लो सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी में ये करेगा कि इसको लॉग करेगा, यानी कि इसका रिकॉर्ड ही बनाएगा, और जो ट्रैफिक या जो भी वल्नरेबल ट्रैफिक है, जो हार्मफुल ट्रैफिक है, उसको ड्रॉप भी करेगा। जबकि मीडियम सिक्योरिटी लेवल जो होता है उसको सिर्फ इसके लॉग करेगा, ठीक है, उसको ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड ऑप्शन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लो सिक्योरिटी मतलब दो नथे, आपने इसको ये वन सेक्शन देने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये करना है, ठीक है। तो इग्नोर करना है, मतलब अगर कोई अटैक आता है तो वो उसको आने दें, कोई मसला नहीं है। और लॉग में क्या है, सिर्फ लॉग करेगा, ठीक है, ड्रॉप नहीं करेगा ट्रैफिक। लॉग एंड ड्रॉप में इसको लॉग भी करेगा, यानी कि इसका टेक्स्ट एक रिपोर्ट ही बनाएगा इसकी, और उसको ड्रॉप भी करेगा, ठीक है। फर्दर जो है नीचे जो है देखें, इसकी प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स भी हैं, ठीक है। अब ये नेट पे जाने के बाद ये इसकी वेबसाइट से डेफिनेशन उठाता है सारी। फिलहाल जो अभी इस वक्त मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है किसी वजह से, तो मैं इसको नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप जाएंगे देखेंगे तो ये तमाम वेबसाइट्स पे जाता है और जो प्री डिफाइंड सिग्नेचर नेट के पहले से मौजूद हैं वो उसने यहाँ पर ला के अपने पास उनकी एक रिकॉर्ड बनाया हुआ होता है, एक रिपोर्ट मेंटेन की होती है, उसके अंदर से अगर कोई अटैक होता है तो वो उसके अंदर से उसको पहले ही पता होता है कि ये मैंने रिकॉर्ड अपडेट किए हैं और ये अगर ये चीज़ें अटैक करती हैं तो मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन जो है जैसे कि नीचे दी हुई है, ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी दी हुई है, ये अपडेट करता रहता है एवरी 24 आवर, यानी कि ये जो वेबसाइट आ रही हैं, यानी इनके पास जो भी अटैकर और वल्नरेबिलिटी का रिकॉर्ड है वो सारा मेंटेन करता रहता है, यानी कि इनके अंदर से इन वेबसाइट में प्री डिफाइंड हार्मफुल चीज़ें हैं, अगर इनमें से कोई भी अटैक करती हैं, यानी ये प्री डिफाइंड सिग्नेचर है, ठीक है, अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अटैक करती है तो ये ड्रॉप कर देगा, ठीक है। और ये लिस्ट हर 24 आवर पे अपडेट हो सकती है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ इसको बंद भी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी एडवांस में जाके आप यहाँ से कोई रूल बना के भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी रूल जैसे ये बना हुआ है नीचे आप देख रहे हैं,
ये एक रूल बना हुआ है DMS 53, ठीक है। और इस तरह भी आप इस तरह आप जाके यहाँ पर एक रूल भी अपना कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। हेयर यू में स्पेसिफाई सिग्नेचर्स दैट विल इग्नोर बाय द इंक्लूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जैसा कि ये लिखा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी IPS के बारे में मालूमात। मैंने आपको जैसा वीडियो में पहले ही बताया था कि इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है और हम इसके ऊपर इतना ही काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।